नमस्कार मित्रों, मैं देवेश पंडा पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। मित्रों, आज का टॉपिक हमारे व्यापारी वर्ग के लिए है। हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर कि कैसे हम अपने दुकान, प्रतिष्ठान, फैक्ट्री की सेल को ग्रोथ में लाएँ, फायदे में लाएँ। जो नहीं चल रही है या जिसकी बिक्री कम है उसकी सेल्स हम कैसे बढ़ाएँ। हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय, सरल उपाय बताने वाले हैं मित्रों, जिसके द्वारा आप अपने दुकान की सेल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इससे पहले मेरा एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मित्रों, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन को प्रेस भी कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो निरंतर आपको लगातार समय पर मिलते रहें। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप दुकान खोले, शनिवार का यदि दिन है, तो आप शनिवार के दिन दुकान खोलने के बाद जनरली सभी दुकान में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद भगवान को कुछ बिस्किट और कुछ नमकीन वगैरह चढ़ा दें, ठीक है। अब जब शाम को दुकान को बंद करें, स्पेशली शनिवार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रयोग, तो कुछ नमकीन या बिस्किट चढ़ा दें और जब दुकान को शाम को बंद करें तो बिस्किट और नमकीन उठा लें, दुकान बंद करें और बाहर में जो भी कुत्ता दिखे उसे वो नमकीन और बिस्किट खिला दें। प्रत्येक शनिवार इस काम को करें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी दुकान सेल में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। ये पहला उपाय है मित्रों। दूसरा उपाय, रोज़ सुबह तुलसी की पूजा, तुलसी में अगरबत्ती अगर आप दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं तो दिखाइए, उनको जल चढ़ाइए और तुलसी का 3 पत्ती तोड़ के आप दुकान ले आइए और अपने गले में रखिए, जहां आप पैसा रखते हैं। इससे भी आपकी दुकान में काफ़ी बरकत आनी चालू हो जाएगी। यदि आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में रखिए अपने गले में, जो भी है आपका प्रतिष्ठान उसकी सेल्स में बढ़ोतरी होगी। तीसरा, सभी कोई करते होंगे जनरली, 90% दुकानों में देखा गया है नींबू मिर्च, सभी कोई अपने नज़र नहीं लगने के लिए नींबू मिर्च बांधते ही हैं दुकान के दरवाजे में, और उसमें एक गलती करते हैं मित्रों जनरली लोग, उसको जब सूख जाता है तो रोड पे ऐसे ही फेंक देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मंदी का कारक माना जाता है। नींबू मिर्ची को आप ऐसी रोड पे जब फेंक देते हैं तो उसकी नकारात्मक जो प्रभाव है पूरी तरीके से दुकान से जा नहीं पाती। आपको क्या करना है कि नींबू मिर्ची जब सूख जाए तो उसे किसी भी कुएं में या जल नदी में जल प्रवाह करवा देना है, माने उसमें डाल देना है, जिससे आपकी पूरी नकारात्मक जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है दुकान की, पूरी तरीके से चले जाए, ठीक है मित्रों। उसको कभी भी रोड पे नहीं फेंकना है। उसके बाद मित्रों, हर शुक्रवार को आपको एक उपाय आपको और बताता हूँ। हर शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की मूर्ति यदि अपने दुकान में रखें या फोटो रखें तो उस पर एक सुपारी चढ़ाएं। ऐसे 7 शुक्रवार तक आप माता लक्ष्मी की मूर्ति में एक सुपारी चढ़ाते जाएँ। जब 7 शुक्रवार कंप्लीट हो जाएगा मित्रों, तो उसको एक लाल कपड़े में बांध के दुकान के दक्षिण या पूर्व दिशा में कहीं पे, दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा कहीं पे भी आपको जहाँ पे सूर्यवल लगे उस जगह में उसको बांध दीजिए। इससे भी आपकी दुकान की सेल में काफ़ी बरकत आ जाएगी, आपकी दुकान की सेल बढ़ने लगेगी मित्रों। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ मित्रों, आपकी दुकान जिस चीज़ का भी हो, आप सप्ताह में किसी एक दिन किसी एक गरीब को यदि आपके दुकान से आपको सामान दे सकें तो वो दे दीजिए, या खाना खिलाइए दुकान में, सामने कोई आ जाए तो, या पैसा दीजिए, दान करिएगा, तो उसका सीधा इफेक्ट आपके सेल्स पे आएगा मित्रों। तो ये 5 उपाय है जिनको करके आप अपनी दुकान की सेल्स को आगे बढ़ा सकते हैं मित्रों। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आपकी दुकान की सेल तेजी से बढ़ जाए और सब उन्नति करें, सब पे माता रानी की कृपा हो। जय माता दी। आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलते हैं मित्रों नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।